सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी. दिस इज द एपिसोड नंबर 6. आपके सवाल मेरे जवाब. और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वैभव एंड सैफ. तो यार आप भी ज्वाइन हो सकते हैं लाइव मेरे साथ. इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, मैसेज करना है मुझे टेलीग्राम पे. एंड देन जब भी एपिसोड होंगे देन आई विल डेफिनेटली इनवाइट यू टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग ट्रेडिंग, रिगार्डिंग एक्सपीरियंसेस एंड जो भी आपको पूछना है, आई एम हियर अवेलेबल फॉर आंसर्स. तो आज हमारे साथ दो लोग हैं, वैभव एंड सैफ. तो यार वैभव, कैन यू हियर मी? हाँ सर. हाँ तो यार थोड़ा सा बताओ अपने बारे में, बताओ कहाँ से हो. सर मैं यहाँ पुणे से हूँ. पुणे में एक छोटा सा गाँव है मेरा खोड़त नाम का, तो उधर रहता हूँ मैं पुणे पुणे में. में कहाँ से? खोड़त जुन्नर, जुन्नर सर, जुन्नर तालुका. हाँ वो क्या इधर शिवाजी महाराज है ना, उनका जन्मस्थान है ना इधर. हाँ उधर ही मेरे गाँव है. हाँ अरे सर बहुत सही है अच्छा यार. लग रहा है आपसे बात करके. सर अरे यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मुझे भी काफी अच्छा लगता है यार आप सबसे बात करके. ऑफ कोर्स टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत कम मिल पाता है टाइम, बट काफी अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके. अभी हमारे साथ एक और हमारे सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं, हिमानी पटेल. ओके सो आप, मैं भी पुणे से हूँ यार, मतलब अभी फिलहाल पुणे में ही हूँ. हाँ ओके सर, मैं भी पुणे आपको में ही तो फिर हूँ. मराठी आती होगी. नहीं, मुझे मराठी नहीं आती. मतलब मैं रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे, 3-4 महीने हुए होंगे, तो मुझे मराठी नहीं आती है, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी अच्छा समझने लग गया हूँ अब, बहुत थोड़ी थोड़ी. मैं, अच्छा, मैं पुणे में मतलब कॉलेज में था, अभी लॉकडाउन है तो फिलहाल गांव में आया हूँ. अच्छा, हाँ लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन कह सकते हैं, बट प्रॉपर नहीं कह सकते ना, पार्शियल लॉकडाउन हाँ है. मतलब कॉलेज तो बंद है ना, कॉलेज हाँ बंद है हाँ तो अभी अच्छा, गांव में ही हूँ. आप कॉलेज में हो, राइट? हाँ हाँ यस सर. सही है, स्टडी कर रहे हो? नहीं सर, स्टडी मतलब चल रही है थोड़ी थोड़ी, अच्छा लेकिन अच्छा अच्छा इंटरेस्ट है अच्छा सर, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है थोड़ा मतलब. ओके ओके सैफ, आपके बारे में कुछ, कहाँ से हो आप, क्या जी करते हो? जी सर, मैं बरेली से स्टडी कर रहा हूँ. बीटेक फर्स्ट बरेली से ईयर ही हुआ आप? अच्छा, बीटेक फर्स्ट ईयर. कंप्यूटर. जी, कंप्यूटर साइंस. अच्छा, यार मैंने भी कंप्यूटर साइंस ही जी कंप्लीट किया, बीटेक. आपने बीटेक किया है सर? हाँ, कंप्यूटर साइंस से ही. ओके ओके मैंने LPU से किया था, लवली प्रोफेशनल ओके यूनिवर्सिटी ओके जालंधर से. तो जी अभी फर्स्ट ईयर में ही हो आप? जी 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 मैंने अभी डिप्लोमा कंप्लीट किया है इस साल, तो मैंने इस साल एडमिशन लिया है बीटेक में. हाथ पे चोट लगी हुई है जी आपके? नहीं, करंटली मैं उसकी तैयारी कर रहा था आईलेट्स की, लेकिन मेरे दोनों हाथ में फ्रैक्चर हो गया अभी 2 महीने पहले, इसकी वजह हेलो से तो हिमानी, मैं नहीं कर हेलो हिमानी, पाया. आई कैन हियर. ओके तो हिमानी कहाँ से हैं आप? हाय, मैं मुंबई से हूँ, और मतलब मैं भी अभी बस जस्ट ज्वाइन ही किया है मैंने भी ओलिम्प वगैरह, एंड मेरा हाँ. ग्रेजुएशन हो चुका है. मैं 30 इयर्स की ओके, काफी एल्डर है आप. हूँ. या तो अभी ज्वाइन किया आपने ऑल इंडिया, राइट? अब हाँ तो जॉब मतलब करते होंगे मेन बी वैसे प्रोबेबली. अभी मतलब दो टू टू एंड हाफ मंथ ऐसे हो गया है, ओके ओके जॉब छूट गया तो इसके लिए मैंने फिर ये ज्वाइन किया था. लेकिन जॉब आपका छूट भी गया हो ना, तो भी माय सजेशन आपके लिए कि इसको एज अ लाइक जॉब की तरह नहीं लेना. मतलब कहने का मतलब एज लाइक पैशन, या फिर एज लाइक ऐसे ले सकते हो पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, बट हाँ हाँ यही पैसिव इनकम के लिए ही सर मैंने ये चीज फिलहाल ली है, बट अभी तो फिलहाल कैसे, दिस इज ओनली इनकम, ये मेरी प्रायोरिटी इनकम है फिलहाल. तो मतलब कैसे हमारे भी काफी लोन्स वगैरह है, तो वही बस अभी कैसे मंथली कैसे निकालना है वही देख रहे हैं अभी. ओके 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 सही है. नहीं, वो चीज के लिए काफी सही है. लोन्स वगैरह के लिए, मतलब आप एक्स्ट्रा के लिए काफी चीजें सही है. मैं भी, हाँ मतलब मैंने भी इसी पर्पस के लिए स्टार्ट किया था, मैंने भी इसी पर्पस के साथ ही ओके. स्टार्ट लेकिन किया आप तो बहुत आगे जा चुके हैं अब सर. था. हाँ वही. हाँ सर, ये तो सही बात है.
नहीं कोई भी जा सकता है यार एक्चुअली. देखो आगे जाने का वो नहीं था मेरा कुछ कि मैं जाऊंगा या सर नहीं आपका जाऊंगा. कितना टाइम हो गया आपको ज्वाइन किए हुए इसमें? मुझे लगता है यार 3 साल. 3 साल में बहुत सर आगे गया. स्टार्टिंग में सर आपने भी लॉस किया होगा. यार मैंने लॉस ही किया था स्टार्टिंग में, तो ही मैंने यूट्यूब पे आया मैं. तो सर मैं भी अभी लगभग 15,000 का लॉस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर मनी. हाँ सर मैं भी मतलब आपका, आपका जो मैंने भी लॉस तो किया ही है. मतलब ऐसे मैंने अभी फिलहाल में ही $100 लॉस हो गए मेरे, एंड अभी वापस से मैंने भी डिपॉजिट किए है 150. तो रिकवर नहीं हुए आपके भी वो? नहीं नहीं उसमें से सिर्फ $10 रिकवर हुए. सेम मेरे भी यही चल रहा है. अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी देखो मेरे को कुछ नहीं पता, सैफ सैफ बोल रहे भी और हिमाने जी जी मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं अभी बता सकता हूँ कि आपने क्या गलतियां की होगी. मतलब दोनों कॉमन गलतियां बता देता हूँ. पहली सैफ, जहां तक कि मुझे लग रहा है आपके बारे में, आपने कोई भी एक मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं किया. जैसे आपने बोला आप 15,000 लॉस कर चुके हो, लेकिन आप 15,000 एक बार में लॉस नहीं किए हो. जी जी आपने छोटी छोटी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया होगा, $10, $15, $30, $50 ऐसे. हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे लग ही गया था आपसे बात करके. और हिमानी आपका तो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन आपने $100 करेक्टली $100 इन्वेस्ट किए थे या फिर पार्ट्स में किए थे? नहीं मैंने एक्चुअली पार्ट्स में किए. मैंने पहले $30 किए, फिर $30 उड़ गए मेरे, उसके बाद में मैंने $150 किए, तो वो $130 हो गए ना बोनस मिला के. तो वैसे करके एंड वो भी चलेगा. 130 तो मेरे वन शॉट में ही निकल गए, मतलब उसमें से $60 तो एक शॉट में ही निकल गए मेरे पूरे के पूरे. डबल करके मार्टिन जो किया ना मैंने, तो वो पूरे एक ही बार में लॉस हो गया मेरा वो. कोई बात नहीं, लेकिन सर बायनामो का तो बोनस बहुत खराब है ना. हाँ अभी मैं बता रहा हूँ आप सबके सब, जिससे मतलब तीनों में बात हो रही है और बाकी जो वीडियो बाकी भी जो लोग देखेंगे इन फ्यूचर, तो सबके सबको एक चीज ये देखने के बाद ना समझ आ जाएंगी चीजें कि आप लोगों ने पर्सनली क्या गलती की है और कैसे आप उसको कवर कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो. मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने भी स्टार्ट गलती से ही किया था. देन उसके बाद चीजें काफी मतलब सीखने को मिली ना, मतलब बहुत टाइम दिया देन चीजें हुई. तो अभी यहाँ पे वैभव ने, वो आपका क्या है मतलब? हाँ सर मैंने अभी जस्ट एक हफ्ता हो गया, $125 मतलब बोनस के साथ थे मेरे, और मेरे को $15 का प्रॉफिट हुआ एक दिन में मतलब. लेकिन रात में क्या किया मैंने, सोते वक्त सोचा एक और बार थोड़ा सा कर लेता हूँ. यही मेरे साथ हुआ था सर परसों सेम. अच्छा, उसी चक्कर में सर थोड़ा थोड़ा मतलब $10-15 का नुकसान हुआ, और फिर सोचा भाई और मतलब ट्रेड बढ़ी नहीं. मेरे क्वेश्चन का आंसर देना आप सभी लोग कि इंडिया में छोड़ो कहीं भी कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि आपको एक दिन में दो दिन में 100% रिटर्न देता है, कि आप ₹10 लगाओ आपको मैं कल ₹20 दे दूंगा. तो ये भी सर वही मतलब मेरे साथ परसों ये हुआ, मैंने ऐड किया ना $50, मैंने $60 हो गए मॉर्निंग में ही, 10 मिनट में मैंने 60 कर लिया. लेकिन मैं जब नाइट में लेटा मैंने कहा मैं और कर लूँ इसे, तो मैं 10 लॉस हुए. मैं रिकवर करने के चक्कर में मैंने 10 और लगाए उसमें, तो मैं ऐसे ही करते करते पूरे $50-60 लॉस कर. अच्छा अच्छा, अब एक चीज एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो प्लेटफॉर्म्स रहते हैं किसी की भी बारे में बात करते हैं. आपका एक सैफ एक सवाल था बीच में जो मैंने स्किप कर दिया था. आपने बोला था कि बायनामो में बोनस लेना सही है नहीं है या है, तो मैं आपको मैंने बहुत वीडियोस बनाई ऑलरेडी, 3 वीडियोस बना चुका हूँ इस पर्टिकुलर सेम टॉपिक पे. एंड अभी भी आपको बोला बायनामो के अंदर कभी भी बोनस नहीं लेना है कभी भी, क्योंकि बिल्कुल वो टर्न ओवर रख देते हैं. और टर्न ओवर अगर रख दिया तो ओलिम में ले सकते हैं ना, ओलिम में तो कोई दिक्कत नहीं है. सी बस देखो मैं खुद ओलिम के जो प्रोमो कोड्स हैं मैं खुद लेके आता हूँ, क्योंकि जो सही है लोगों के लिए वो सही है. मतलब बायनामो के आपको पता है मेरे को बायनामो ऑफर करता है, मतलब बायनामो ने खुद मुझे बोलता है कि आप 100% बोनस के कूपन कोड्स लॉन्च कर सकते हो आपके आपके ऑडियंस के लिए, 120% का कर सकते हो लॉन्च. तो उसका फायदा नहीं ना कुछ, बहुत टर्नओवर हो जाता है, हमारा अटक जाता है सारा पैसा. हाँ मैं कर भी दूंगा लेकिन फिर आप लोग फंस जाएंगे उसके अंदर वो टर्नओवर कंप्लीट करने के चक्कर में. तो बायनामो में का बेस्ट लगा लेना. देखो बायनामो क्या है ना, बिगिनर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वहाँ पे सारी सर मैंने बायनामो छोड़ दिया इसमें. लेकिन नहीं ऐसा नहीं कह रहा मैं देखो मैं खुद भी बायनामो यूज करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बिगिनर्स के लिए काफी अच्छा है. और बोनसेस कभी नहीं लेना उसमें, बस वो बोनस वाला एक चक्कर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है ना.
ओलिंप जो है बोनस के मामले में काफी ट्रांसपेरेंट है और अभी कोशिश कर रहा हूं मैं. देखो ओलिंप ने क्या किया ना, ऑल ओवर वर्ल्ड बोनस की स्कीम्स खत्म कर दी है. 30% से ज्यादा कहीं नहीं लेके आ रहा वो, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी कि 50% का लेके आता हूँ मैं नेक्स्ट प्रोमो कोड 50% का अपनी ऑडियंस के लिए. सॉरी टू इंटरप्ट, 50% पे मिल रहा है क्योंकि अभी मैंने कल ही डिपॉजिट किया ना. 40 तो मुझे सर आज मिला है. चलिए मैं उसको एक करेक्ट करना चाहूंगा, मैं उसको करेक्ट करना चाहूंगा, मिल रहा है लेकिन वो किन यूजर्स को मिल रहा है. अगर आप न्यू डिपॉजिट करते हैं आपको एक घंटे तक, ओनली फॉर 1 आवर You will get 50% bonus only for 1 hour, ठीक है. और अगर आप old user है तो आपको deposit करने के लिए कुछ particular time के लिए वो मिल रहा है, ठीक है. लेकिन वो not for all users. अगर आप Olymp के साथ बहुत ज्यादा पुराने हो तो आपके account में वो coupon code show ही नहीं करेगा, मतलब तो आपके account में नहीं show करेगा वो, मतलब आप अच्छा. आप हाँ अगर आप जाओगे ना डिपॉजिट वाले सेक्शन में तो आपको वहां पे दिखेगा कि 30% कूपन कोड, 40% कूपन कोड, जैसा कि आपने बताया आपने 50 का ही लिया है ना, तो वो तब भी दिखेगा जब आपका या तो अकाउंट न्यू है या फिर आपने कभी ज्यादा बोनसेस यूज नहीं किए होंगे. वो आप एक ही बार यूज कर सकते हो, नॉट ऑल द टाइम. अगर आपने अभी यूज कर दिया 50%, अब नेक्स्ट डिपॉजिट पे मेरा वन डे खाली वन टाइम ही यूज करना था वो, तो जो बोनस था वो. बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली यही होता है. अब जैसे आपने भी सिर्फ 40 का 40 बोनस लिया होगा. जी जी अभी लिया है मैंने, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए. वन टाइम आज ही लिया है मैंने, वन टाइम. और वो मतलब एक महीने के लिए होता है, मतलब उसके बाद तो चला जाता है, उसके बाद नहीं मिलता. रिस्क फ्री ट्रेड के बारे में कुछ बताएंगे? वो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन पहले ये क्लियर करते हैं ना. तो इसलिए बोनस का ना मैं क्या कोशिश करता हूँ ना, बेस्ट से बेस्ट कोलैबोरेशंस करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये, अब मैं अगर कूपन कोड लेके आता हूँ ना वो सब यूज कर सकते हैं. एवरीबॉडी कैन यूज इट, लाइक कोई चाहे ओलिंप के साथ कितना भी पुराना हो, चाहे कितना भी नया हो, चाहे अभी, मतलब हर कोई यूज कर सकता है उसको. तो इसीलिए वो चीज डिफरेंट हो जाती है थोड़ी सी. और वो ओलिंप जो अपनी तरफ से बोनस प्रोवाइड करता है तो वो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, ऐसा ये डिफरेंस है दोनों चीजों में. और रिस्क फ्री ट्रेड के बारे में, तो यार रिस्क फ्री ट्रेड्स क्या होता है कि आप अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट आप डिपॉजिट करते हो, जैसे $1,000, उससे पहले रिस्क फ्री ट्रेड नहीं मिलती आपको. तो आपको कुछ ऐसे ट्रेड्स मिलते हैं जो अगर आप एक्टिव कर दो अपने अकाउंट में, एक्टिवेट कर दिया आपने रिस्क फ्री ट्रेड, एक नीचे ऑप्शन आ जाता है. तो उसमें क्या है ना, अगर आप वो ट्रेड लॉस भी कर जाते हो तो आपके अकाउंट से वो रियल अकाउंट रिफंड हो जाएगा, डिडक्ट नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली उतना ही रहेगा. अगर प्रॉफिट ले लेते हो तो ऐड हो जाएगा, और वो 100% विड्रॉएबल रहता है, ऐसा नहीं कि विड्रॉएबल नहीं रहता है. और बोनस का ये मिनिमम डिपॉजिट कितने पे रहता है सर? ये 1000, ये मिनिमम 1000 पे रहता है. उसके बाद कितने भी डिपॉजिट करो, जैसे फॉर एग्जांपल 2000 3000, उस पे एक्स्ट्रा मिलते रहते हैं. जैसे 1000 पे $40 या $50 की शायद रिस्क फ्री ट्रेड रहती है. उसके बाद मुझे जहां तक लगता है पहले से हो थोड़ा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी नहीं, मैंने ज्वाइन फर्स्ट किया, लेकिन मैं आपके साथ टच में काफी टाइम से हूँ. हाँ, तो व्हाट आई रिमेम्बर कि जब पहले मैं प्रोमो कोड्स लेके आता था तो उसके अंदर रिस्क फ्री ट्रेड्स भी इन्वॉल्व रहती थी, मतलब कूपन कोड के साथ रिस्क फ्री ट्रेड. मैं वापस से वो चीज करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आपको $1,000 डिपॉजिट ना करना पड़े, कूपन कोड यूज करके वो रिस्क फ्री ट्रेड मिल जाए. लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा, मुश्किल हो गया. ऐसा कर सकते हैं हम, ऐसा कर सकते हैं अपने 1000 डिपॉजिट करने के बाद जब हमें रिस्क फ्री मिल जाए उसके बाद हम विड्रॉल कर लें अपने 1000, या वो चली जाएगी रिस्क फ्री भी? देखो अगर 1000 विड्रॉ कर दोगे तो रिस्क फ्री ट्रेड नहीं रहेंगी ना आपके पास, है ना. रिस्क फ्री ट्रेड का क्या मतलब है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा, डॉलर की है आपके पास अकाउंट पे. हाँ, पहले आपको जैसे आपके पास $1,000 है, 1000 में आपके पास $50 की रिस्क फ्री ट्रेड मिली, 50 की आपने जैसी ट्रेड लगा दी, वो अगर आप प्रॉफिट कर गए तो आपके पास टोटल बैलेंस कितना हो गया, 1040 के समथिंग हो जाएगा. हाँ, तो वो पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन तो कोई दिक्कत, एक बार यूज करना पड़ेगा हमें पहले. हाँ, एक बार तो यूज करना ही पड़ेगा. हाँ, ओके. कितना डॉलर मतलब अच्छा रहेगा स्टार्टिंग में डिपॉजिट करना? मैं सोच रहा हूं, ये बहुत सही सवाल पूछा यार, ये वाला मैं इसी पे आने वाला था, क्योंकि सबने लगभग एक ही गलती की है. तो अरविंद जी सब इस टाइम लॉस में चल रहे हैं, कुछ बताइए, सभी लॉस में चल रहे हैं इस टाइम के. हाँ, मैं बताता हूँ ना कैसे आप कवर कर सकते हो. एक्चुअली देखो मेरा क्या फंडा रहता है, मैं पर्सनल अपना फंडा बता रहा हूँ, ठीक है, लाइव पे. हाँ सर, मेरा क्या रहता है कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स रहते हैं,
ठीक है, लेकिन उसमें भी इवन दो मेरा जो टारगेट रहता है वो 1% रहता है। हाँ सर, मतलब गलती क्या वो है ना, क्या होता है गलती इमोशनल, एक बार ट्रेड हारने शुरू किया ना तो रुकता ही नहीं वो, ये लगता है उसे रिकवर कर लेंगे, उसे रिकवर करने के चक्कर में सब हाँ, हो जाता है। देखो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, सीरियसली इन फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आप ऐसा रिटर्न ले सकते हो जो आपको एफडी ये अपना इन्वेस्टमेंट्स में कहीं नहीं, मैंने तो मैंने टारगेट बनाया था कि अपना अगर मैं $5 पर डे के निकाल रहा हूँ तो मेरे लिए बेस्ट है वो। अब जैसे $50 के बाद भी, जैसे पहले पहले वाले सवाल पे आते हैं कि कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, तो कभी भी $10 से स्टार्ट मत करो, नेवर। क्योंकि रीजन ये रहता है कि $10 में अगर 2-3 ट्रेड अगर आप लॉस कर जाते हो तो आपका अकाउंट खाली हो जाता है, आप उसको कवर नहीं कर पाते, राइट? उसको कवर करने के लिए आपके पास कुछ बचता ही नहीं है, है ना? तो ऑलवेज ट्राई, और अभी कभी भी ये सोचो ना, इस चीज को लेके चलो, मैं किस चीज को लेके चलता हूँ कि अगर मैं किसी भी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट डाल रहा हूँ 1,00,000 रुपए की, अब उस 1,00,000 रुपए में कोई भी कंपनी, मान लो ये अपना पॉलिसी बाजार एंड समथिंग लाइक दैट, लाइक बहुत सारी कंपनीज है ना, एटी मनी, किसी में मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया 1,00,000 रुपए का, अब 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे क्या मुझे एक महीने बाद 2,00,000 रुपए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग भी बैठे ना यार, उनको भी कमाना है, उनको 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट पे शायद मुझे 2,000, 5,000, 10,000 रुपए मिले शायद, है ना? 10,000 रुपए बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 5,000 का मैक्सिमम बोल दिया मैंने हाई रिस्क पे, ठीक है? तो वो लेके चलो, अगर आप ना इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ भी अगर आप ज्यादा की सोचोगे ना तो एक गैम्बलिंग माइंडसेट हो जाता है आपका, और वही होता है गैम्बलिंग माइंडसेट से क्या रहता है कि आपको ये लगता है कि अब यार मेरे पास एक मोबाइल है, उसमें एक ऐप है जिसपे मैं कभी भी ट्रेड ले सकता हूँ, आज ट्रेड लूंगा, जितनी ज्यादा ट्रेड लोगे उतनी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो जाती है, जितनी कम ट्रेड लोगे, मैं जो सिग्नल ग्रुप है उसमें सिर्फ 2 ट्रेड लेता हूँ, सिर्फ 2, और मैं पर्सनली भी मैं कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ, सिर्फ वो 2 ट्रेड लेता हूँ, एंड देन दैट्स इट, फिनिश। 2 ट्रेड में ही मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ कि भाई 2 ही ट्रेड लेनी है, क्योंकि 2 ट्रेड में मेरा $30-35 का प्रॉफिट हो जाता है, देन इट्स फाइन, भाई रुक जाते हैं। तो सर, जो आप सिग्नल जो प्रोवाइड करते हैं, अभी जो उसमें हम चीज बोल ठीक है, आप बोलिए। नहीं बोलिए बोलिए। नहीं भाई, मैं बोल रही थी सर ने अभी जो ये चीज बोली है ना कि 2 ही ट्रेड लगाओ लेकिन प्रॉफिट वाली ट्रेड लगाओ, ये लास्ट 3 दिन से ना, जो अभी मैंने अभी रिसेंटली $150 मैंने डिपॉजिट, नहीं सॉरी, हाँ $150 मैंने डिपॉजिट की है, एंड सर के आपने एक वीडियो में बोला था सर, रिसेंट वाली वीडियो में यूट्यूब के बोला था यही सेम चीज, कम ट्रेड लीजिए लेकिन प्रॉफिट हो वैसी ट्रेड लीजिए, और इसी से ना मैं 3 दिन से मैं सिर्फ प्रॉफिट में ही हूँ फिलहाल सिर्फ, और आप ही के मैं ये वो जो आपके आपकी जो स्ट्रेटेजीज हो रही है ना, वो इचिमोकू क्लाउड वाली जो है ना 15 मिनट वाली, उसी में ही आपने बोला था ना ये, तो वही चीज लेके मैं अभी चल रही हूँ, और इचिमोको क्लाउड काफी अच्छी अभी चल रही है, और बहुत सही बोला है कि कम ट्रेड लो, भले ही 2 ट्रेड लो लेकिन अच्छी वाली ट्रेड लो, जब तुम बहुत श्योर हो कि हाँ ये होगा ही होगा, बिल्कुल हिमानी जी, काफी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है ये। क्योंकि हिमानी जी यहाँ पे ना, क्योंकि एक रीजन से बोलता हूं मैं, यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर आज आपने $100 इन्वेस्ट किए, ठीक है, अगर एक महीने, जस्ट मेरा एक एल्गोरिथम है उस पे नोट, उसको ध्यान से सुनना, जो भी लोग व्यूअर्स हैं, जो भी है, सब बहुत ध्यान से, अगर आज आप $100 इन्वेस्ट करते हो, 1 महीने बाद उसका सिर्फ 1% टारगेट करो, $100 पे एक दिन में $1 का प्रॉफिट लेना, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है? तो अगर आप और उसपे क्या होता है ना, $1 पे प्रॉफिट लेने के लिए सिर्फ आपको 1 ट्रेड प्रॉफिट में लेके आनी है सिर्फ, लेकिन इसका मेरा कैलकुलेशन देखना आप क्या कर सकते हो इस कैलकुलेशन के थ्रू, तो आप आज अगर आपने $100 किए ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, लेकिन इस आज से आने वाले 6 महीने बाद ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ये कितनी गुना हो सकती है उस पे देखना, अगर आज आपने 100 किए तो आज आपको प्रॉफिट होता है $1 का, देन आप नेक्स्ट डे क्या करो, आपके टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई $101, उसपे आपको 1% कैलकुलेट करो, नेक्स्ट डे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी $103, उसपे 1%, ऐसे करते करते सिर्फ 1 महीने बाद यानी 30 दिन बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी $140, और वो भी विदाउट, मतलब ऐसा कह सकता हूँ मैं, मिनिमम रिस्क के साथ। अगर किसी दिन ऐसा हो जाता है ना कि आपकी 3 ट्रेड लॉस में चली जाती है कॉन्टिन्यूसली, तो उस दिन को छोड़ दो, क्योंकि 3 ट्रेड कंटिन्यूअस में लॉस में जाना का मतलब आपको $8 का लॉस हो गया, $8 का लॉस आप कवर कर सकते हो नेक्स्ट डे, क्योंकि इतना बड़ा लॉस नहीं है वो, $100 पे $8 का लॉस कोई बड़ा लॉस नहीं है। उसके बाद क्या करो,
आप नेक्स्ट डे उसको कवर करने की कोशिश करो, ऐसा करके आप एक महीने में एक $100 से 135 से $40 के बीच में आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ देखो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो $140 है, उसके ऊपर आप अगर वो करोगे डेली का 1% टारगेट, तो आपका दूसरे ही महीने आपकी टोटल 100% रिटर्न आ जाएगा, यानी कि और वो भी बिल्कुल मिनिमम रिस्क के साथ, यानी कि आप दूसरे ही महीने आपका टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो लगभग $180 या $190 के आसपास हो जाएगा, जो कि आपने $100 लगाया था, है ना। कैलकुलेशन अगर आप देखते हो उस तरीके से, क्योंकि 140 है अब आपके पास, अब 140 का 1% लेना है आपको, अब आपको 100 का 1% नहीं लेना, तो उसका 1.4 देन उसके बाद उसको प्लस कर दो 140 में, देन उसका 1%, ऐसा करते करते आपको, हाँ ऐसा करते करते उसको आपको 2 महीने में आपकी लगभग 2 से 2.5 महीने में आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जितनी लगाई थी उसका 100%, 100%, और कोई ऐसी कंपनी नहीं जो आपको 100% दे दे। लेकिन ये क्या है ना, 2 महीने के अंदर कोई नहीं देता, लेकिन यहाँ पे क्या ना रिस्क मिनिमम हो जाती है। अब लो अगर आप क्या करते हैं ना, आप $100 इन्वेस्ट करके अगर एक ही दिन में उसको 200 करने की सोचते हैं, तो यार ये कंपनीज जो है ना, ओलिम्प है या फिर बायनमो है, ये भी पैसा कमाने के लिए बैठे हुए, ये भी ऐसा नहीं कि उनको पता है, लोगों की जो माइंडसेट है वो गैम्बलिंग माइंडसेट रहते हैं। मतलब आपको प्लेटफॉर्म है आपके पास एक है कि आप क्लिक करते ही आपको या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लोग लॉस यही होता है पूछते ही नहीं है। जब तक वॉलेट में पैसे, हेलो सर, $400-500 रखा था, मतलब मैं अगली बार ऐसा सोच रहा था कि मैं अभी $500 फिलहाल होगा, लेकिन उससे पहले मैं 1-1.5 महीना प्रैक्टिस करूंगा डेमो पे, 5 से अकाउंट से स्टार्ट करूंगा, कहां तक जाता है, क्या गलती होती है, वो मैं देखना चाहता हूँ मेरे एक बार फिर से। बिल्कुल आप बिल्कुल यार, जैसा देखो डेमो पे देख लो, डेमो पे सीख लो, कोई नहीं है, लेकिन जब लाइव पे आओगे ना तो वहां पे चीजें चेंज होती है। तो यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, एक हमेशा अगर स्टार्ट करते हो ना तो स्टार्ट विथ मिनिमम $100, क्यों, बहुत रीजन है। अगर आप 3-4 ट्रेड लॉस भी कर जाओगे तो आपको प्रेशर नहीं आएगा दिमाग सर, में। दूसरी चीज देखो, अगर आप डेली लाइफ में ये सोचो कि आपके पास 2 महीने है, 2 महीने में आप 7,000 रुपए इधर उधर भी खर्च कर दोगे, तो वो माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा कि जब आप ट्रेड लेते हो, जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो उस माइंडसेट से करो कि यहां से मेरे को बस एक रिटर्न लेना है, एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न, ये नहीं कि मुझे बहुत पैसे कमाने, क्योंकि उससे क्या होगा ना, जब आपके 2 महीने में वो पैसे डबल हो जाएंगे, है ना, लगभग 2 महीने के अंदर, 2 या 2.5 महीने के अंदर जब आपके वो पैसे लगाए हुए डबल हो जाएंगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अब मैं कर सकता हूं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट सोचो, उसके बाद $100 लगाई थी, वही इन्वेस्टमेंट अगर आप $1,000 कर दोगे, तो सोचो सिर्फ 2 महीने में 70,000 रुपए का प्रॉफिट, वो भी विदाउट लाइक मिनिमम रिस्क, विदाउट रिस्क नहीं बोलूंगा लेकिन मिनिमम रिस्क। सर मैं सोच रहा हूँ $1,000 डिपॉजिट करना, लेकिन अभी नहीं, 15-20 दिन अभी मैं सोच रहा हूं। इस चीज पे भी आता हूँ मैं वैभव, कि आपने जैसा कि सोच रहे हो, अब मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे भी आप ऐसा नहीं कि $1,000 डिपॉजिट कर दो, कि $1,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है, $1,000 छोटी अमाउंट नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिपॉजिट करने से पहले कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखो। पहली चीज कि आप कि जो चीजें गलत होती है उसकी बात बता रहा हूँ, तो पहली चीज ये ध्यान रखो वैभव कि आपका जो अकाउंट है, और कोई मोबाइल में आप लॉगिन मत करो, एक ही मोबाइल में लॉगिन रखो मोस्ट प्रोबेबली, या तो एक मोबाइल या एक लैपटॉप, ठीक है। दूसरी जो चीज है, आपका जो अकाउंट है, ठीक है, इट शुड बी विथ सेम नेम जो कि आपका बैंकिंग नेम है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स नेम है, ऐसे कोई ऐसा नहीं कि ट्रेडर 01 रख दिया आपने, क्योंकि वो इन नेक्स्ट में वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम करता है। और जब भी ओलिम ट्रेड आपको वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है, जब भी कभी भी करेगा, जब आप विड्रॉल होंगे तो एक वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट आती है फ्रॉम ओलिम ट्रेड, छोटे विड्रॉ पे नहीं आती बट बड़े विड्रॉल पे आती है, तो वहां पे आपका आप उस टाइम पे आप अच्छे से उसको वेरीफाई कर लो, है ना, वेरीफाई में आप डॉक्यूमेंट देना रहता है, आधार कार्ड समथिंग, एंड देन उसके बाद एक चीज और, हमेशा ई वॉलेट्स का यूज करो विड्रॉ लेने के लिए, ई वॉलेट और डिपॉजिट करने के लिए। सर डिपॉजिट और विड्रॉ बोथ, ठीक है। ई वॉलेट्स क्या होते हैं, स्क्रिल, नेटल, ग्लोब पे, परफेक्ट मनी, बहुत सारे हैं ई वॉलेट्स, उनका यूज करो, क्योंकि उनमें क्या होता है ना, ई वॉलेट्स में दो चीजों का फायदा होता है,
पहला इसमें बैंक ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, तो बैंक क्या होता है ना, सबसे पहले प्रॉब्लम आती है बैंक से कि जब आप पेमेंट डायरेक्टली बैंक में लेते हो, बैंक से निकालते हो, तो उससे क्या होता है ना, बैंक डिले कर देता है, क्योंकि पेमेंट क्या होती है ना, ये रशिया से आती है, तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है आपके बैंक अकाउंट में आने में, कभी 10 दिन लग गए, कभी 15 दिन लग गए, बट ई वॉलेट्स में आपकी इंस्टेंट ट्रांसफर होती है पेमेंट इंस्टेंटली, ठीक है। तो ई वॉलेट्स यूज करो, ई वॉलेट्स को वेरीफाई करो, सबसे बेस्ट है स्क्रिल, नेटलर, यहाँ पे आपके चार्जेस लगेंगे लेकिन बहुत कम चार्जेस लगते हैं, जैसे 1000 रुपए अगर आप विड्रॉ लेते हो तो कोई 12-13 रुपए के आसपास कटते हैं, लेकिन उस वो चलता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छे वॉलेट्स हैं। आप अगर यूपीआई से करोगे तो उससे क्या होगा, डिपॉजिट तो हो जाएगा लेकिन आप विड्रॉ सिर्फ उतना ही ले पाओगे जितना आपने डिपॉजिट किया, उससे ज्यादा अगर आपको विड्रॉ लेना है तो आपको ई वॉलेट्स यूज करने ही पड़ेंगे, मतलब मस्त है उसके अंदर। हाँ उसके अंदर ये भी है, मतलब अगर आपने 10,000 रुपए डाले हैं तो आप 10,000 रुपए तो ले लो वापस बैंक में, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने 10,000 के 25,000 बना लिए तो नेक्स्ट 15,000 है वो ई वॉलेट के थ्रू ही ले सकते हो आप, और डरने की जरूरत नहीं, ई वॉलेट बहुत ईजी होते हैं, जैसे आपने पेटीएम में साइन अप करते हो ना, नहीं मैंने यूज किया है, परफेक्ट मनी मैंने यूज किया है, हाँ परफेक्ट मनी यूज किया, सेम जैसे आप पेटीएम यूज करते हो, पेटीएम में क्या किया, नंबर डाला, ओटीपी आया, वेरीफाई हो गया, अकाउंट बन गया, बस वैसे ही ड्रिल में होता है, नेटलर में होना है, अपने अकाउंट बना लो बस, उसके बाद उसको वेरीफाई कर लो, उसमें आधार आपका जो परमानेंट एड्रेस होता है वो डाल के उसको वेरीफाई कर लो ई वॉलेट्स को। ई वॉलेट्स की जो बेसिक लिमिट्स होती है वो 10,000 रुपीज होती है, उसको आप अपग्रेड कर सकते हो अपने प्रोफाइल को वेरीफाई करके, उसके बाद अनलिमिटेड लिमिट्स हो जाती है कुछ 5 लाख 10 लाख, वेरीफाई होने में 24 आवर्स लगता है। ई वॉलेट्स, ई वॉलेट्स में क्या, ई वॉलेट के बाद बैंक में कितने टाइम में आता है, ई वॉलेट से बैंक में, जी जी देखो मेरे को अगर मैं पर्सनल बताऊं तो मेरे को तो 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं लगे, हार्डली 3 दिन लगे थे ई वॉलेट से बैंक में आने में, ठीक है। और इसका एक और है, अगर आप ई वॉलेट्स में लेते हो तो ई वॉलेट्स को आप सेल भी कर सकते हो, स्क्रिल टू स्क्रिल बेच सकते हो किसी को, जिसको स्क्रिल की जरूरत है उसको स्क्रिल बेच दो और उससे कैश ले लो, या फिर बैंक अकाउंट में ले लो, बैंक अकाउंट में ले लो, बहुत सारे वेंडर्स होते हैं जो ट्रस्ट वर्दी होते हैं, तो उनसे आप बात करके बस आपको ढूंढना है आपके एरिया में कौन सा ट्रस्ट वर्दी है, जो ब्रोकर्स हैं जो कि ऐसा जो है ट्रांजेक्शंस करते हैं, ठीक है, तो बस उसके बाद उनके उनके ई वॉलेट्स में ट्रांसफर करके उनसे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ले लो, दैट्स इट। ये भी बहुत ऑप्शन है ई वॉलेट्स के, ई वॉलेट से डायरेक्टली अपने बैंक में भी ले लो, लेकिन ई वॉलेट्स काफी सही रहते हैं इस मामले में, तो ये चीजें करने के बाद ही डिपॉजिट करो, क्योंकि 1000 डॉलर्स बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और अगर आप ऐसे तुक्के तुक्के में कर दोगे तो वही लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा। तो ये बताइए लॉस कैसे करना है, जो 100 डॉलर का लॉस चल रहा है। हाँ तो मैंने अभी वो बताई चीजें कि 100 डॉलर्स का लॉस रिकवर करने के लिए, देखो देखो मेरा तो ये मतलब मेरा एक फंडा रहता है कि जितना भी लॉस हुआ मैं उसको रिकवर करने के लिए x3 का डिपॉजिट करता हूँ, लेकिन आपको नहीं सजेस्ट करूंगा अभी मैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप एटलीस्ट 100 डॉलर्स को आपको रिकवर हो जाएगा 100 डॉलर्स, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 2 महीने देने पड़ेंगे यार, ठीक है, क्योंकि एक बार देखो ऐसा समझो कि जब आप जॉब करते हो तो जॉब आप 30 दिन तक जॉब करते हो उसके बाद आपको सैलरी मिलती है, राइट, ऐसा तो नहीं कि आप पहले दिन गए ऑफिस में बोले कि यार मैं मेरे को सैलरी दे दो, मैं 30 दिन काम कर रहा हूं लेकिन मुझे सैलरी दे दो, है ना, तो यहाँ पे भी आपको ना 30 दिन तक एटलीस्ट लगना पड़ेगा, थोड़ा धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करो, उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि जिंदगी भर ही धीरे धीरे करो, सिर्फ एटलीस्ट मैंने 2 डॉलर का टारगेट बनाया था पर डे, लेकिन उसमें भी मैं लॉस कर गया, एक बार ट्रेडली फर्स्ट टाइम तो नीचे आ गया। अब आपका टारगेट ही गलत था, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी ये बताओ, टोटल इन्वेस्टमेंट 100 अच्छा 100 डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी, आपने 2 डॉलर का टारगेट बनाया और आप उसमें भी लॉस कर गए, ठीक है, देखो टारगेट फिर भी सही है आपका, 2 डॉलर इस लाइक बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन आप अगर आपको आपने ये सोचा कि अगर आप लॉस करेंगे तो क्या मार्टिनल स्टेप्स यूज करेंगे, नहीं सोचा होगा, तो ये सोच के चलना पड़ता है एक्चुअली, कि अगर आप क्योंकि हमेशा ना ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियोस, अच्छा तो आपके साथ हमेशा होगा लेकिन कभी किसी दिन बुरा होता है तो उसको कैसे करें, तो अभी मैं आपको बताता हूँ 100 डॉलर्स इन्वेस्ट करो, जस्ट इन्वेस्ट 100 डॉलर्स डेली, 1% टारगेट रखो या 2% रखो अगर आप इनफ कॉन्फिडेंट हो तो, क्योंकि मैं क्या करता हूँ ना, अगर आप अगर शुरू में आते हो तो आप 1% टारगेट रखो, 2 महीने बाद जब आपकी वो इन्वेस्टमेंट 100% हो जाएगी, आपको
200% का टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी टोटल, ठीक है, बैलेंस। उसके बाद आप 2% का रख लो टारगेट, फिर अगले 2 महीने बाद 5% का टारगेट रख लो, तो आप सोच भी नहीं सकते जो आपने $100 शुरू में लगाए थे, यानी कि पहले दिन लगाए थे, एक साल बाद उसका कितना इन्वेस्टमेंट हो, कितना टोटल अमाउंट हो जाएगा आपके पास। आप उसको कैलकुलेट करो कितना परसेंट बनता है वो, है ना। तो लेकिन अरविंद जी ये भी है ना, हर बार प्रॉफिट भी तो होना चाहिए, उसके लिए माइनस में बच जाते हैं फिर, ये भी तो दिक्कत है। मैं वही तो समझा रहा हूँ यार, मैं वही तो समझा रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी लॉस होता है, अभी मैंने क्या बोला, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियोस। अगर आपको कभी भी लॉस होता है तो लॉस होते टाइम आपको आपको एक ट्रेड लॉस होगी, ठीक है, एक डॉलर की ट्रेड मैंने प्रेफर करता हूँ, एक डॉलर क्या सेकंड वो लॉस हो गई आपकी, सेकंड आपने कितने के लिए $2 की वो भी लॉस, $2 की, तीसरी कितने के लिए आपने $5 के, चार की पांच की ले लो, ठीक है, पांच के लिए तो वो भी आपकी लॉस हो गई, तीन ट्रेड आपकी लॉस हो गई, कितना लॉस हुआ आपको टोटल, $8 का टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आपकी, $100 पे $8 का लॉस हुआ आपको, यानी कि ₹100 में से अगर मैं रुपए मानता हूँ तो ₹100 में से ₹8 का, तो कोई बड़ा लॉस है क्या, एक बार के लिए तो बड़ा नहीं है ना, उसको कवर किया जा सकता है, लेकिन जरूरी है आपको वहां पे रुकने की। अगर आप तीन ट्रेड कंटिन्यूअसली लॉस में चले जाते हो देन स्टॉप फॉर दैट डे, उस दिन के लिए रुक जाओ, स्टार्ट विद अ फ्रेश डे एंड फ्रेश माइंड, आप एक फ्रेश के साथ फिर से स्टार्ट करो। देखो आज अगर आपको लॉस हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि कल भी आपको लॉस होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है परसों भी आपको लॉस होगा, लेकिन आप प्रिपेयर रहो हमेशा कि आपको कंटिन्यूअसली लॉस हो सकते हैं। आप अब मान के चलता हूं, मैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेता हूं कि आज आपको लॉस हुआ कल भी लॉस हो गया, तो टोटल लॉस कितना हुआ आपको, $16 राइट, 100 में से $16 का लॉस कोई बड़ा लॉस है, बड़ा लॉस नहीं है, आप कवर कर सकते हो उसको। तीसरे दिन आपको प्रॉफिट कितना होता है, $2-3 का, ठीक है, चौथे दिन आपको $2-3 का प्रॉफिट होता है, ऐसे करके आप सिर्फ 5-10-15 दिन में वो लॉस जो आपका हुआ था वो कवर कर लोगे। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये सोचोगे ना कि आप ये कि भाई मैं लॉस कर रहा हूँ, देखो लॉस क्या ना एक पार्ट ऑफ अ ट्रेडिंग एक्चुअली, यहाँ पे द पॉसिबिलिटीज आर 50-50, आप मार्केट ट्रेड करोगे कुछ भी करोगे, इवन दो मतलब द फैक्ट इज पॉसिबिलिटीज 50-50, तो उसको देख के आप ऑलवेज प्रिपेयर कि आपको लॉस भी होगा, आपको प्रॉफिट भी होगा, आपको लॉस भी होगा, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द बोथ द कंडीशंस। आप जब कॉइन भी टॉस करते हो द बोथ लाइक हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, राइट, आप पहले से शॉर्ट नहीं हो सकते, राइट, तो उसी लिए द सेम थिंग की ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द कंडीशन कि आप लॉस करोगे ही करोगे। इवन जब मैं ग्रुप में सिग्नल्स लेता हूँ, मैं जब लॉस करता हूँ तो तीन सिग्नल्स के बाद मैं अगर तीन कंटिन्यूअसली लॉस कर दिया तो मैं स्टॉप कर देता हूँ उस दिन के लिए। इवन तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं उसके बाद कि आपने लॉस करवा दिया, आपने ये कर दिया, मैं बोला यार एक दिन लॉस करने के बेसिस पे आप जज मत किया करो, क्योंकि कल के दिन मैं ज्यादा प्रॉफिट ले लूंगा या कल के दिन मैं प्रॉफिट लेके उस लॉस को कवर कर सकता हूँ। लाइक लॉस इज नॉट अ बिग डील हियर, यहाँ पे है कि आप यू कैन आप उसको कंट्रोल कर पाते हो नहीं कर पाते, वो मैटर करता है कि आप कब आपको स्टॉप होना है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको कब स्टॉप करना है, कब आपको आपको कब वापस शुरू करना है और कितने डॉलर से शुरू करना है। अगर मेरे पास अब जस्ट मेरा एग्जांपल ले लो, मेरे पास अभी एक अकाउंट है $20,000 का, मैं इवन दो उसमें भी पर डे सिर्फ $30 का टारगेट रखता हूँ, ओनली $30 प्रॉफिट, समटाइम्स 20 समटाइम 30, इवन दो अगर मैं चाहूँ तो उसके अंदर 16 स्टेप मार्टिकल तक फॉलो कर सकता हूँ। अब बताओ इतना भी बुरा दिन नहीं होगा मेरा कोई कि 16 कंटीन्यूअसली मैं लॉस करूंगा, इतना बुरा तो नहीं दिन होगा, तो मैं चाहूँ तो $1,000 की ट्रेड ली है ना। हाँ तो यार मैं चाहूँ तो वो चीज कर सकता हूँ मैं लेकिन मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऑलवेज कि मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं इस चीज को मान के चलता हूँ कि एक दिन आ सकता है ऐसा जिस दिन मैं 16 ट्रेड लॉस कर जाऊँ, हो सकता है एक दिन आ सकता है, तो मैं उस केस के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, तो इसीलिए ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सर आपको जो अगर आप लॉस कर भी रहे हो तो आपने काफी प्रॉफिट्स कर चुके हो, इसलिए आप अभी रेडी हो, हम अभी रेडी सर, ये तो हमारा तो पास से जा रहा है ये तो। अच्छा जस्ट आपके क्वेश्चन का आंसर, आपने बोला कि आप कर भी चुके हो तो आप अभी रेडी हो, है ना, तो क्या मैं शुरू से ही रेडी था? आपने अपना अच्छा बैकअप बना लिया है तो क्या मैं शुरू से ही रेडी था? आपको तो लगभग 500 गुना हो गया होगा प्रॉफिट। नहीं तो क्या मैं शुरू से ही रेडी था? क्या मैं शुरू से ही रेडी था जब मैंने स्टार्ट की थी चीजें, तो मेरे को भी वो बेस बनाना पड़ा। आपने भी लॉस किए ही है ना काफी वैसे। हाँ तो मुझे भी वो बेस बनाना पड़ा, है ना, मैंने भी वो बेस बनाया है, वो कोई भी बेस बना सकता है, वो आप भी बना सकते हो, लेकिन वही चीज मैं समझा रहा हूँ आप कैसे बना सकते हो, मैं वही समझा रहा था कि आपको इन्वेस्टमेंट ही खत्म हो जाएगा तो कहाँ से करेंगे, करते रहेंगे तो अभी
तो यार आपका जो है ना, आपकी जैसा कि मुझे समझ आया सैफ, यू वांट कि आपको हर ट्रेड प्रॉफिट चाहिए, नहीं आपको ये चाहिए कि हर ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल मिले, वो चीज पॉसिबल नहीं है दोस्त। 50-50 तो मिलना चाहिए ना सर, कैरियर से कम से कम 5 तो मिलना चाहिए ना। अगर ऐसा कोई फार्मूला होता, ऐसा कोई फार्मूला होता ना, रिकवर हो जाता। लेकिन आपने जो बताया, चीज बताना चाहूंगा कि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बाकी है, क्योंकि यार 40 मिनट्स की होती है लाइव स्ट्रीम, तो हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बाकी है। और मैं कह रहा था कि अभी जो आपने बोला लॉसेस, तो यार देखो सैफ, मैं आपको अगर ऐसा कोई फार्मूला होता कि जिससे कि मेरे को पता होता कि ये ट्रेड मेरी प्रॉफिट में जाने वाली है, ये क्लोज में जाने वाली है, लॉस में जाने वाली है, तो फिर यार मैं यहाँ पे नहीं होता और आप भी यहाँ पे नहीं होते, सीरियसली ना, मैं मतलब दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। तो यार ये चीज दिमाग से निकाल दो सर, यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी मैंने इतना समझाया आपको लॉस को कैसे मेंटेन करोगे, वो इम्पोर्टेंट है कि आप कब रुकना है, आप कब शुरू करना है, वो जरूरी है। ओके गाइस, बहुत अच्छा लगा यार आप सबसे बात करके, अभी हमारे पास टाइम कम है, नहीं तो यार सच्ची में मतलब मैं तो रुकने कर रहा था रुकने का। सर ऐड कर लीजिएगा प्लीज ग्रुप में। हाँ ग्रुप में यार आज ऐड कर लूंगा मैं फॉर श्योर। ओके यार थैंक यू सर, थैंक यू हिमानी जी।